नमस्कार, मेरा मैं जम्मू कश्मीर का इसलिए मैंने दौरा किया क्योंकि यहाँ पे दिल्ली से चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल उन्होंने अचानक से डिक्लेयर कर दिए और मेरी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए मैं पार्टी हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष और उनके सभी साथी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। हालांकि ये लोकल चुनाव है, स्थानिक चुनाव है, तो स्थानिक चुनाव में बड़े दिल्ली के लोगों का कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन मैं उनको सपोर्ट दिखाने के लिए एक दिन के लिए आई थी और हमारे लोगों को मिलने के लिए। एक तो कोविड के सिचुएशन में ये चुनाव गवर्नमेंट ने लिए है, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात हुई क्योंकि बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो चुनाव में थे वो कोविड से ग्रस्त है। आज भी आईसीयू में हमारे एक भूतपूर्व सांसद मदन लाल जी आईसीयू में है, उनका बेटा भी एडमिट है, बहुत सारे लोग हमारे एडमिटेड हैं। हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को कोविड हुआ है, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को कोविड हुआ है, तो ये ऐसे हालात में उन्होंने करने नहीं चाहिए थे तो भी उन्होंने चुनाव लिए हैं। ऐसे अगर चुनाव ये लेते हैं तो मैं अपील करती हूँ और मैं आह्वान करती हूँ कि अगर ये चुनाव वो लेते हैं तो जल्द से जल्द असेंबली के भी चुनाव डिक्लेयर करें और असेंबली के चुनाव ले और यहाँ पे एक लोकनियुक्त सरकार हो जाए जम्मू कश्मीर में, ये उन्होंने करना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं यहाँ आने के बाद देख रही हूँ कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लोगों को, जो अध्यक्ष सहित हमारे सभी लोगों की सिक्योरिटी निकाल दी गई है, तो इस हालात में हमारे लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे जो आप पिक एंड चूज करके सिक्योरिटी देंगे और जो लोग विरोधी पार्टी के उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, जिनको खतरा है, जिनके लिए पहले सिक्योरिटी थी उनको दो दिन पहले उनकी भी सिक्योरिटी निकाल दी है, तो उसके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो सिक्योरिटी वापस देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये इतने स्थानिक चुनाव में बीजेपी की एंटायर लीडरशिप और बीजेपी के एंटायर जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो यहाँ आई हैं, मुझे उनको एक ही सवाल पूछना है कि ऐसे हालात में अगर ये इतने अपने काबिलियत पे विश्वास रखते हैं तो क्यों उन्होंने इतने लोगों को दिल्ली से बुलाया, क्यों अपने लोगों को नहीं चुनाव लड़ने दिया लोकल लोगों को, क्योंकि ये तो चुनाव लोकल है, यहाँ पे उनको किसी के आने की जरूरत नहीं थी। और मुझे दूसरा भी एक बात लगता है कि जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टेटहुड देने की, जो कांग्रेस की हमेशा दिल की बात रही है, तो स्टेटहुड देने के लिए बीजेपी ने क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, वो भी अभी इस चुनाव के उपलक्ष्य में उन्हें बोलना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। इस प्रदेश की मांग है कि जो तीन मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस करिए, प्रदेश अथवा में बहाल कीजिए, जो यूटी में बदला है वो हमें चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार है वो रोजगार छीनने नहीं जाने चाहिए, इसलिए आप लॉफुली क्या करते हैं, जो हमारे साथ वाले हिमाचल में हो रहा है 118 आर्टिकल के अनुसार वहां पे जमीन कोई नहीं ले सकता है, जमीन का अधिकार वापस दे दे और हमारे लोगों की नौकरियां, बेरोजगारों को नौकरियां यही मिले लोकल लोगों को, ये हमारी तीन मांगों के लिए बीजेपी ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करना चाहिए, ये हमारा कहना है। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे जो है स्टार प्रचारक है, स्मृति ईरानी, शाहनवाज हुसैन आए, अनुराग ठाकुर, सबके साथ हमने देखा कि बहुत स्पॉट जो था वो साथ में था, आप भी आई और खबरों के मुताबिक आपको सिर्फ DPS हो, क्यों? अभी हम ये सवाल आपने उनको पूछना चाहिए, हम कैसे बताएं? ऐसा तो नहीं कि जिन जिन दूर दराज इलाकों में अगर आप भी जाना चाहें वहां पर जाना पाए, बिल्कुल मैं हम तो यही बोलेंगे कि उनका इनकी इच्छा ही नहीं कि हमारी लीडरशिप आ जाए यहाँ पे, लेकिन हमने भी यही किया कि मीर साहब को कम से कम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी सिक्योरिटी उन्होंने निकाल दी है, इसका मतलब साफ है, उनका उसका उद्देश्य साफ है कि उनको चाहिए कि हमारे कोई भी लोग घूमे नहीं और प्रचार न करें।